खबर मथुरा से है, जहां कोसी कला ब्रज प्रभात सेवा संस्थान और गौ सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कोकिलाबन धाम में सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 52 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल, महामंडलेश्वर प्रेम दास महाराज, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महामंडलेश्वर प्रेमदास महाराज ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन में अगर आपस में हार स्वीकार करें तो दुनिया में कभी भी झगड़े की नौबत नहीं आएगी। कहा कि पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाकर यही संदेश देते हैं। वही विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है, जिसमें वर भगवान राम और वधु सीता माता के रूप में उपस्थित है। आज आप देख रहे हो यहाँ पर एक भव्य समारोह और सर्वजातीय आदर्श हिंदू 52 हमारी कन्याएं, उनका यहाँ पर शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है सभी के सहयोग से ब्रज प्रभात सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हम सदस्यक हैं ब्रज प्रभात सेवा संस्थान के, और सभी लोगों के श्री कन्हैयालाल गोयल जी अध्यक्ष हैं और तमाम कार्योगी दानोत्या जी मंत्री हैं, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े हुए हैं सैकड़ों संख्या में, और दानदाता के सहयोग से भव्य यहाँ पर शादी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इसी बार भी 71 कन्याओं की शादी की थी, अगली बार 52 कन्याओं की शादी की है, तो ये लगातार हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के समारोह हम करते रहें, क्योंकि इसमें एक मैसेज जाता है समाज में, आपस में भाईचारे का मैसेज जाता है और सबका जरूरतमंदों की सेवा का भी भाव जाता है इसमें। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज द्वारा किया गया पुण्य कार्य बधाई योग्य है। इसके साथ ही उन्होंने नवविवाहिताओं को आशीर्वाद दिए। इस अवसर पर पंकज भार्गव, शोभाराम शर्मा, आचार्य विवेक उपाध्याय, अंकित ठाकुर, लोकेश आदि उपस्थित रहे।